उस वक्त हमने उन्हें बहुत कोसा था क्योंकि हमें यकीन था कि उन्होंने ही हमारा सुहाग लूटा है। उस जख्म को भरने में 25 साल लगे। यहां तो हर कोई उन्हें दोषी ठहराता है, कोई नाम तक नहीं लेना चाहता उनका। शक्ल तो कुछ कुछ मिलती है, मगर इस किस्म के कपड़े पहनना क्या जरूरी है? आजकल यही फैशन होगा क्यों? आपका सफर तो ठीक था? जी ठीक था, बाय रोड दिल्ली से आया हूं, आने में काफी समय लगा। हाँ भाई, आजकल यहाँ की सड़कें खराब हो गई हैं। सड़कें क्या, सभी कुछ बिगड़ गया है। आपकी माँ को गुजरे पूरे 28 साल हो गए, बहुत दिनों बाद उनकी याद आई। जी आपको लिखा था मैंने कि हाँ, कुछ पुराने एल्बम ढूंढवा के रखे हैं मैंने, इनमें हमारी और एम की बहुत सी तस्वीरें हैं। आपको पता है, हम उन्हें एम कहते थे और वो हमें मैंडी दीदी। जी जानता हूं, आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है उनकी डायरी में। हमारे बारे में कुछ बुरा तो नहीं लिखा? जी नहीं, अगर ऐसा होता तो आपसे मिलने नहीं आता यहां। एक्सीडेंट के बाद पहली बार उनका नाम लिया है। आपने अम्मी को माफ नहीं किया ना? उस वक्त हमने उन्हें बहुत कोसा था क्योंकि हमें यकीन था कि उन्होंने ही हमारा सुहाग लूटा है। उस जख्म को भरने में 25 साल लगे। यहां तो हर कोई उन्हें दोषी ठहराता है, कोई नाम तक नहीं लेना चाहता उनका। राजा विजेंद्र सिंह उनका ख्याल रखते थे ना? पागल थे उनके लिए। आपको बुरा नहीं लगा? एम ने भी हमसे यही सवाल किया था। सीरियसली नहीं खेल रही? हम थक गए, चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इतनी जल्दी हार मान गई? Come on, Em, हम आपके जैसा खेल कहाँ खेल सकते हैं? क्यों नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। चलिए उठाइए रैकेट, Come on, let's play, Come on। हम खेल की बात नहीं कर रहे हैं। पर मैं तो खेल की ही बात कर रही हूँ। जिंदगी बैडमिंटन का खेल नहीं है दीदी। क्या आप मुझसे जलती हैं? मैं आपकी जगह होती तो आपकी आंखें नोच लेती। नहीं, हम आपसे नहीं जलते, मगर आप जो हैं उसका हम क्या करें। मैं क्या हूं? आप एक आजाद पंछी हैं जिसे हर कोई अपने काबू में करना चाहता है, मगर आपको बांधना इतना आसान नहीं। ओह माय गॉड दीदी, आई कांट बिलीव इट, यू आर जेलस ऑफ मी। पता है मैं आपसे कितनी जलती हूँ? आप और विक्टर में एक अजीब सा अपनापन है, मैं ही अजनबी हूँ। प्रेम के दो ही रूप होते हैं, किसी को अपना कर लेना या किसी का हो जाना।